दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले में नो गेंद पर आउट हुए थे सोमन गिल, मगर दोस्तों अब आईसीसी ने एम्पायर पर लगाया 7 करोड़ रुपए का जुर्माना और 2 साल का प्रतिबंध। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मुकाबला अहमदाबाद के मैदान पर खेला जा रहा है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 480 रन लगाए, जिसमें सबसे ज्यादा उस्मान ख्वाजा ने 180 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 6 विकेट चटकाए। जबकि इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम जब मैदान पर आई तो भारतीय टीम इस समय 289 रन के स्कोर पर नाबाद है 3 विकेट खोने के बाद, जिसमें सोमन गिल ने 180 रन की तूफानी पारी खेली और इस समय विराट कोहली 59 रन के स्कोर पर नाबाद है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, मामला उस वक्त का है जब सोमन गिल को नाथन लियोन ने LBW आउट किया था, क्योंकि दोस्तों जिस गेंद पर सोमन गिल आउट हुए थे वो गेंद नो थी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जब नाथन लियोन बॉलिंग करा रहे थे तो उनका पैर लाइन से आगे निकला हुआ था और ये एम्पायर ने ध्यान नहीं दिया और LBW आउट दे दिया सोमन गिल को। मगर दोस्तों अब ICC एम्पायर पर बड़ा एक्शन ले सकती है।